चलिए अब रुक करते हैं अपने खास पेशकश सुपर 50 का। संसद के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है। सरकार आज राज्यसभा में फिर से जीएसटी बिल रखेगी। पूरा मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। इससे पहले बुधवार को कांग्रेस लोकसभा में बहस के लिए तैयार हो गई है, वो भी तब जब मानसून सत्र खत्म हो आया है। सुषमा के साथ साथ सरकार को भी केंद्र कांग्रेस को जमकर कोसने का मौका मिल गया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल भी खूब बोले, लेकिन ध्वनिमत से कांग्रेस का काम रोको प्रस्ताव गिर गया और सरकार ने भी साफ कर दिया कि किसी का इस्तीफा नहीं होने वाला है। हालांकि जानकारी के मुताबिक कांग्रेस आज भी इस्तीफे की मांग करेगी। संसद में मचे सियासी घमासान के बीच दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल सोनिया गांधी ने बुधवार को कांग्रेस सांसदों को डिनर पर बुलाया, जिसमें पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत तमाम सांसद शामिल हुए। सरकार को बैकफुट पर लाने के लिए सोनिया ने पार्टी सांसदों की पीठ थपथपाई। सूत्रों के मुताबिक सोनिया ने साफ कर दिया कि पार्टी आने वाले दिनों में भी सुषमा, वसुंधरा, शिवराज के इस्तीफे की मांग करती रहेगी। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नीतीश लालू और कांग्रेस के महागठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है। 100 सीटों पर जेडीयू और आरजेडी चुनाव लड़ेगी, तो वहीं कांग्रेस को 40 सीटें दी गई हैं। बिहार विधानसभा में सीटों के बंटवारे को लेकर एनसीपी ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। दरअसल लालू नीतीश ने 100 सीटें बांट ली है, जबकि एनसीपी के लिए सिर्फ 3 सीटें छोड़ी गई हैं। सूत्रों के मुताबिक नाराज एनसीपी अकेले चुनाव लड़ सकती है। नाराजगी जाहिर करते हुए बिहार से एनसीपी सांसद तारिक अनवर ने कहा कि इससे यह साबित होता है कि महागठबंधन को एनसीपी की जरूरत नहीं है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कोलकाता में एक समारोह में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि अगर कश्मीर समस्या का हल पटेल निकालते तो सूरत कुछ और होती। दिल्ली में केजरीवाल सरकार को 14 अगस्त को 6 महीने पूरे हो रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार काम विवादों की वजह से ज्यादा सुर्खियों में रही है। इसी मुद्दे को उठाते हुए बीजेपी ने दिल्ली के कई इलाकों में पोस्टर लगाए हैं। इन पोस्टर्स में महंगी बिजली, टैक्स, बढ़ोतरी, पेट्रोल डीजल महंगा होने जैसे तमाम मुद्दे उठाए गए हैं। साथ ही सीसीटीवी अभी तक नहीं लगने और महिला सुरक्षा पर भी बीजेपी ने अपने पोस्टर्स के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश की है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त को होने वाले परेड से पहले आज झांकी और परेड में भाग लेने वालों का फुल ड्रेस रिहर्सल होगा। इसको लेकर ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी कर कहा है कि वीवीआईपी वाहनों, आमंत्रित अतिथियों और आम लोगों के आयोजन स्थल तक जाने के लिए यातायात के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। लाल किला के आसपास की सड़कें सुबह 5 बजे से सुबह 9 बजे तक बंद रहेंगी। इन सड़कों से सिर्फ लेबल वाले वाहन ही गुजर पाएंगे। मैगी पर बैन लगा रहेगा या नहीं, इसे लेकर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मैगी पर लेड की मात्रा अधिक पाए जाने के बाद सरकार ने इस पर बैन लगा दिया था। आपको बता दें कि FSSAI ने कोर्ट में दावा किया था कि मैगी में लेड की मात्रा तय मानकों से ज्यादा है, इसी वजह से मैगी को पूरे देश में बैन कर दिया गया। नेस्ले ने बैन पर सवाल खड़े किए थे और बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। राधे मां की भक्त रही टीवी एक्ट्रेस डॉली बिंद्रा ने अब उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। मुंबई पुलिस कमिश्नर को दिए गए लिखित शिकायत में डॉली बिंद्रा ने कहा है कि राधे मां और संजीव गुप्ता के परिवार की तरफ से उनके परिवार को लगातार धमकी भरे कॉल्स मिल रहे हैं। राधे मां पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने के आरोप में बोरीवली पुलिस स्टेशन में बुधवार को एक नई शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत दर्ज कराने वाले वकील अशोक राजपूत ने मांग की है कि राधे मां पर अंधविश्वास निरोधक कानून के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दहीहांडी को एडवेंचर स्पोर्ट्स में रखने का आदेश दिया है, जिसके बाद इसमें एडवेंचर स्पोर्ट्स के नियम लागू होंगे। यानी कि दहीहांडी प्रतियोगिता में पिरामिड बनाने में अब 12 साल से कम उम्र के बच्चे हिस्सा नहीं ले सकेंगे। दहीहांडी आयोजनों पर होने वाले हादसों को देखते हुए कोर्ट ने यह फैसला किया। जैन समाज के अहम धार्मिक रिवाज संथारा को गैरकानूनी बताते हुए उस पर रोक लगाने के फैसले के खिलाफ जैन समाज सुप्रीम कोर्ट जाएगा। इसके अलावा जैन समाज प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री से भी मामले में दखल देने की गुजारिश करेगा। जोधपुर से रवाना हुई एक मालगाड़ी पिछले 17 दिनों से लापता है। इस मालगाड़ी में 90 कंटेनर है, जिसमें करीब 9 करोड़ रुपए का माल भरा हुआ है।
जोधपुर से यह मालगाड़ी 27 जुलाई को मुंद्रा पोर्ट के लिए रवाना हुई थी, जिसे 3 दिन बाद पहुंचना था, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये मालगाड़ी कहाँ है। फिलहाल 2 अगस्त को ऑनलाइन स्टेटस में ये पता चला था कि ट्रेन अहमदाबाद में है। आपको बता दें कि मालगाड़ी के ड्राइवर 12 घंटे में बदले जाते हैं। लापता हुई ट्रेन को जोधपुर से ले जाने वाले ड्राइवर भी लौट आए हैं। वहीं रेलवे ये दावा कर रही है कि उसकी जानकारी में है कि ये ट्रेन कहाँ है, लेकिन जगह बताने को रेलवे तैयार नहीं। देश भर में प्याज के दाम आसमान छूते जा रहे हैं। आम लोगों को प्याज खरीदना मुश्किल होता जा रहा है। हैदराबाद में प्याज तो 60 से 70 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहे हैं। वहीं दिल्ली में प्याज 50 से 60 रुपए किलो के हिसाब से चल रही है। हालांकि दिल्ली सरकार ने जगह जगह प्याज के सरकारी स्टॉल्स लगाए हैं, जहां 40 रुपए के हिसाब से प्याज मिल रहा है। उज्जैन में सुबह सुबह हुई बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। निचले इलाकों में पानी भर गया है। पानी लोगों के घरों तक भी घुस गया है, जिससे काफी नुकसान हुआ। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए प्रशासन को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। उज्जैन में नगर निगम के लिए हो रहे मतदान में बारिश से लोगों को वोटिंग में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पंजाब के कई जिलों में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। बाढ़ के पानी कई गांवों को डुबा दिया, जिसकी वजह से हजारों फसल पानी में डूब गया। उधर लुधियाने से 25 किलोमीटर दूर कयाना गांव में सतलुज नदी पर बने एक बांध टूट जाने से हड़कंप मच गया और नदी का पानी जो है गांव में घुस गया। प्रशासन ने तुरंत हरकत में आते हुए 500 मजदूरों को बांध की मरम्मत में लगा दिया है। बाद में बांध को जोड़ दिया गया। ऋषिकेश में लगातार हो रही बारिश के कारण बरसाती नदियां उफान पर है। हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में पड़ने वाली बरसाती नदी में पानी आ गया, जिसके कारण बाहर से आए कांवड़िए और आम लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इस नदी को पार कर रहे हैं। अचानक से तेज बहाव होने के कारण लोग पानी में गिरने बहने लगे और बहुत ही मुश्किल से अपनी जान बचाकर ये लोग हरिद्वार से ऋषिकेश जा रहे हैं। उधर मौके पर पुलिस के जवान टहल रहे, मगर नदी में फंसने वाले लोगों की मदद तक नहीं कर रहे हैं। नदी को पार करने वाले कांवड़िए अपनी जान जोखिम में डालकर खुद ही पानी का सामना करते हुए नदी को पार कर रहे हैं। शिमला के ठियोग में बादल फटने से भयंकर तबाही हुई है। फसलों से लगे पेड़ों सहित कई भीगा खेत मलबे में तब्दील हो गए हैं। खल्टुनाल में 4 दुकानों का नामोनिशान मिट गया है। इन दुकानों के साथ आसपास बागवानों की हजारों सेब की पेटियां भी बाढ़ में अपनी चपेट में ले लिया है। 2 लोग भूस्खलन की चपेट में आए, लेकिन किसी तरह से जान बचाने में सफल रहे। मध्य प्रदेश में इंद्र देवता का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मौसम विभाग ने राज्य के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। चेतावनी के बाद सरकार ने कलेक्टर्स को निर्देश जारी करके हाई अलर्ट की रहने का फरमान सुना दिया है। और जिन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, उनके नाम में भोपाल, रायसेना, सीहोर, छिंदवाड़ा, सिवनी, उज्जैन और इंदौर। पिछले हफ्ते इंदौर में तो भयानक बारिश हुई थी। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले का सिलसिला जारी है। कल बीती रात श्रीनगर के खानियार पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड से आतंकी हमला किया गया, जिसमें सीआरपीएफ के 2 और पुलिस के 2 जवान घायल हो गए। और इससे पहले शोपिया में सेना की टुकड़ी पर हमला किया गया, जिसमें एक जवान बुरी तरीके से जख्मी हो गया। सेना के जवान का टाटा सुमो में सवार थे। हमले के बाद इलाके में सुरक्षा बलों ने नाकेबंदी कर दी है। पाकिस्तान की तरफ से भारतीय क्षेत्र के में घुसपैठ की कोशिशें जारी है। सीमा पार से LOC पर पिछले 8 दिनों से लगातार फायरिंग हो रही है। बीती रात बालाकोट सेक्टर, हमीरपुर और सब्जियां सेक्टर में एक साथ फायरिंग की गई। सैन्य सूत्रों का कहना है कि सीमा पार से 3 अलग अलग ग्रुप घुसपैठ की फिराक में थे, जिनकी संख्या 12 थी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से पुलिस ने चौगना से 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आतंकी लश्कर कमांडर सलमान खान से सगे भाई हैं। सीमापार से लगातार हो रही फायरिंग को देखते हुए जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके से 2 दर्जन परिवारों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। ये लोग बॉर्डर से सटे इलाकों में रहते थे। जम्मू के उधमपुर में पाकिस्तानी आतंकी नवेद को पकड़ने वाले जीजा साला विक्रमजीत और राकेश को सरकार शौर्य चक्र से सम्मानित करेगी। इससे पहले सरकार ने इनकी बहादुरी का सम्मान करते हुए इन दोनों को पुलिस में सरकारी नौकरी दे दी है। पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हुआ है। आतंकवादी नवेद को उसके ही देश के एक व्यक्ति ने पहचान कर ली है। उसके जम्मू जेल में बंद फैसलाबाद से इमरान ने उसको देखते ही पहचान ली और स्थानीय भाषा में उससे बातचीत करने लगा।
17 साल का इमरान फैसलाबाद के साहिलियाल का रहने वाला है। इमरान की सजा पूरी हो चुकी है और इसे बहुत जल्द पाकिस्तान वापस भेजने की तैयारी है। उधमपुर पहुंचे एनआईए चीफ शरद कुमार ने आतंकी नवेद से अकेले में मुलाकात की। लगभग आधे घंटे तक एनआईए चीफ ने नवेद से पूछताछ की। 14 और 15 अगस्त को अमृतसर के बाघा बॉर्डर पर इस बार भारतीय और पाकिस्तान के बीच मिठाई का आदान प्रदान नहीं होगा। सीमा पार से लगातार हो रही फायरिंग से तनाव बढ़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के बांदा में दीवार गिरने से एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई। बीती रात गांधीनगर मोहल्ले में बिजली चले जाने से एक भी परिवार के 12 लोग एक जर्जर मकान की दीवार के पास बैठकर बिजली आने का इंतजार कर रहे थे, तभी यह हादसा हो गया।